Jaya 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 J
గౌరు ప్రేమానందే హరి హరి.
सुंदर तरीके से आकर के उनका दर्शन करते, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणिया इत्यादि आने लगे। समय बीता, पिताजी जो कुबेर उनको हमेशा शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराने की चेष्टा करते रहते। एक बार वो धर्म सभा में गए, एक धनाढ्य व्यक्ति की धर्म सभा हो रही थी। वो धनाढ्य व्यक्ति काली की पूजा किया करता था और सबको कहता था सब दंडवत प्रणाम करो। तो जो अद्वैताचार्य जी अभी मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था के होंगे, वो जाकर के उनको प्रणाम नहीं किया। और कुबेर महाराज बोल रहे हैं उनके पिताजी, देखो सब ब्राह्मण लोग जो है इनको प्रणाम कर रहे हैं, तुम प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करो। तो ये कहकर जो पिताजी चले गए, पीछे से राजा ने भी देखा ये कैसा दृष्ट बालक है, ये काली को जो है देख करके प्रणाम नहीं करता, ये मैया का अपमान कर रहा है, इसको प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे प्रणाम करने के लिए बाध्य मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब बाध्य किया गया, नहीं तुम प्रणाम करो, कुछ अनर्थ होना तो नहीं, जरा सा बच्चा इतनी बातें कर रहा है, प्रणाम करो। उनको जब फटकार लगाई तो उन्होंने ना चाहते हुए भी काली जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम करने की चेष्टा की, एकदम से काली की मूर्ति धड़ाम से फट गई और जोर से शब्द करके फट गई। तो ये देख करके सब हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या। वो वहां से चले गए और वहां पर जो शुद्ध तरीके से आचार विचार वाले वैष्णव थे, उन्होंने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं महाविष्णु है, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी जो शक्ति के भी अंश है छाया, और उनके नीचे आकर के ये प्रणाम कैसे कर सकते हैं। तो जो उनकी दासी हैं, उनकी सेवा जो करती हैं, उनको प्रणाम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के ही एक अंग जिसे कहा गया अद्वैताचार्य, और ये महाविष्णु के अवतार, ये इस तरीके से यहाँ पर जब बड़े होने लगे, इनका गांव था नाभापुर, नाभापुर से शांतिपुर को आ गए। इस जगह पर आकर के ये जो मैं बता रहा था शालिग्राम की पूजा उपासना की, और यहाँ पर रह करके वो निरंतर क्या करते, भगवान का आह्वान करते, हुंकार करते, नाम बड़ा नारा, नारा मतलब जो भगवान का बड़ा आवेश से, भगवान का प्रेम हृदय में रख करके भगवान को आवाज लगाते हैं, हुंकार करते हैं। तो उसमें उनका जो गोलोक में राधा कृष्ण विराजमान है, कृष्ण भगवान का सिंहासन तक जिसने हिला दिया, वह अद्वैताचार्य जी, उनका नाम पड़ा नारा। और जब इनके माता पिता इस जगत को छोड़कर चले गए अद्वैताचार्य जी के, तो ये पूरे पृथ्वी के तीर्थों को भ्रमण करने के लिए गया इत्यादि गए, और वहां से वृंदावन भी आए। वृंदावन में यदि आपने देखा हो, बांके बिहारी जी और मदन मोहन जी के पास ही एक अक्षय वट वट है, जिसका नाम अद्वैत वट वृक्ष के नाम से है। वो इन्हीं की कृपा से उस पेड़ के पास जाकर उन्होंने विश्राम किया, वो बैठक है इनकी, और वहां पर ही आदित्य टीला उनको दर्शन हुए कि यहाँ पर मदन मोहन जी ने इनको स्वप्न दिया कि मैं यहाँ दबा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मदन मोहन जी ने स्वयं उपादेश दिया। तो अद्वैताचार्य जी ने वहां खुदाई करवाई ब्रजवासियों से, और वहां से मदन मोहन जी को प्रकट करवाया। बोलो मदन मोहन भगवान की। और क्योंकि ये पूरे तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, सभी तीर्थों में जाना था, तो एक मथुरा के चौबे परिवार में एक ब्राह्मण थे, उनको बुलवा करके मदन मोहन जी को उनको प्रदान किया कि तुम इनकी सेवा करना, और वो मथुरा में उनको ले जाकर उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार से जब यहाँ आए तो यहाँ पर सुंदर तरीके से भगवान का आह्वान कर रहे थे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरीके से भगवान को यह आह्वान करते हैं, प्रभु आप आओ, मुझसे इन जीवों की दशा नहीं देखी जाती, या तो मैं इनको मार दूंगा अन्यथा आप इधर आ जाए, और अपने आप इन लोगों को हरि नाम रूपी जो प्रेम धन है इनको प्रदान करें। तब चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान राधा कृष्ण मिलित रूप में यहाँ प्रकट हुए। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई, वो सब आप जान रहे हैं। और ये जितनी परिक्रमा है, हमारे गुरुदेव ने भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर ग्रंथ नवदीप महात्मा ग्रंथ को अनुवाद किया हिंदी में, उसको अवश्य पढ़ें। उसमें सर्वप्रथम जो परिक्रमा की, वो बलराम जी के जो स्वयं अवतार हैं नित्यानंद प्रभु, उन्होंने 6 गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन और ब्रज को उजागर किया,
उसमें जीव गोस्वामी उनको लेकर के पूरी ये परिक्रमा की और बहुत सुंदर तरीके से इस नवदीप धाम की बहुत बड़ी महिमा बताई। कहते हैं कि भगवान नरसिंह देव ने तो प्रहलाद महाराज जी को कहा कि तुम्हारे 21 पीढ़ियां तर गई और चैतन्य महाप्रभु के धाम में जो गौर पूर्णिमा में यहाँ पर आकर के मायापुर में जाकर दर्शन कर लेता है, एक रात्रि रुक जाता है इस नवदीप धाम में, तो उसकी 1000 पीढ़ियां तर जाती है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। और ये इतना अलौकिक धाम है कि जब भागीरथ जी आए थे, भागीरथ जी क्या करने आए थे, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से मैया गंगा को लेकर के जब आ रहे थे, तो सबसे पहले तो शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया गंगा जी का, क्योंकि वेग बहुत तेज था। उसके उपरांत उनकी जटाओं से गंगा यमुना इत्यादि प्रकट हुई। जब यमुना जी चली तो नवदीप में आकर के इस तरीके से भ्रमर की तरह से कभी कहीं कभी कहीं सर्प आकार में घूम रही है और नौ द्वीप की तरह से इधर ही रहकर रुक गई। और भगीरथ बहुत आगे चले गए, देख रहे शायद पीछे पीछे आ रही होंगी, क्योंकि गंगा मैया का जो वेग है बहुत तेज है, इसीलिए तो वो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। जब देखा कि मैया नहीं आ रही, पीछे वापस आए नवदीप और पूछा कि क्या मुझसे ऐसा अपराध हुआ जो आप जो है चल नहीं रही मेरे साथ, मेरे पितरों का कैसे उद्धार होगा। तो गंगा मैया ने उनको साक्षात दर्शन दिए, कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरे प्रभु का धाम है और यहाँ पर मैं रहूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी, अभी गौर पूर्णिमा तक मैं यहाँ पर व्रत रखूंगी और जब गौर पूर्णिमा पूर्ण हो जाएगी उसके उपरांत मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम भी यहाँ रह करके व्रत रखो गौर पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ पर भागीरथ जी ने भी व्रत रखा और उसके उपरांत यहाँ से वो प्रस्थान हुई। तो बोलो गंगा मैया की जय। इतना सुंदर सुंदर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं नवदीप धाम के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी बताइए। जो सात पुरियां हैं, सात पुरियों में यदि हम सब जगह भ्रमण करें हजारों वर्षों तक और यहाँ मात्र 3 रात्रि यदि नवदीप में हम सिर्फ शयन करें, कुछ ना करें, तपस्या भजन तो छोड़ दीजिए, तो सब पुरियों में जो मिलने वाला फल है वो 3 रात्रि यहाँ शयन करने मात्र से मिल जाता है। बोलो चैतन्य महाप्रभु के धाम की। ठीक है, महाराज जी से कथा श्रवण करेंगे। वांछा कत्र कृपा सिंधु देव च पतितनाम पावन वैष्णवेभ्यो नमः। Showed the proper way of Devi Avanashan Dhamma said at one time
when there was a short ceremony of his parents, of his father, at that time, generally, the customs was that you invite all the brahmanas, and the topmost brahmanas given the top at the front seat. But then, seeing that Haridas Thakur staying a bit further away, then seeing that Haridas Thakur invited him in the topmost position, then all the brahmanas got very upset, saying, "Oh, he's from a low class family, how do we go away from here?" Then he said, "No, just by giving prasadam to Haridas Thakur, all my forefathers were delivered." So he's showing very nicely the Devya Vanashandam, that by ordering Vaishnavas is the topmost duty. Also the pastimes here is that when, of course, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, he wanted to go to Vrindavan with Nityananda Prabhu is going around, but then Nityananda Prabhu tricked him to come to Shantipur. So on his way over here, then as he's going alone, then Nityananda Prabhu told him that told the boy is in front, and told him, "Oh, when Chaitanya Mahaprabhu comes, let him know that, oh, this is Vrindavan. This Ganga is actually Yamuna," and so forth. So when Chaitanya Mahaprabhu is in his mood of bhav, even he's coming asking the boys, "Oh, ever reached Vrindavan?" They said, "Yes, you have reached Vrindavan." So we had nicely. So then they took bath in, as you were thinking, that he took bath in Yamuna, and Nityananda Prabhu gave a message to Advaita Acharya, "Yes, Mahaprabhu is here." So then Advaita Acharya came in a boat and brought also his clothes, new clothes, and Gopin also, so forth. Then when Chaitanya Mahaprabhu saw Advaita Acharya, he said, "Oh, where have I come? Have you tricked me?" He said, "No, this side of Ganga actually is Yamuna." So then they took him and they brought him here. Then Nityananda Prabhu sent message to all these Navadip and Mahapur, that was Sachi Mahapur, then all of them came here. Also Sachi Mata came here as well. So then Mahapur told his mother, "Oh, mother, please forgive me. I'm not sure why I took sannyas. If you want, I can go back, I can come back home." Then his mother said, "No, since you have taken sannyas, that's okay, you should, because it is painful for me to be separated from you. It is more painful for me to hear anything, anything bad said about you, because if you come back to home, if you come back to become a grihastha, then people read this fame, you're saying that, oh, look at him, he has become a sannyas, now he's come back into grihastha. So it's better for me, if it's better to, I can accept a separation. But please don't go to Vrindavan. Stay in Jagannath Puri so that I can at least have here news about you." So then, also at that time, so for the next few days, the Mahaprabhu, when he stayed here, so Sachi Mata cooked prasadam for him. So there are many pastimes here. Also, there are many pastimes. So, one chakra for Vesta, Kripa Sindhavita, Patitanam. तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके नवा
परमात्मायनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो शास्त्र में बताया गया कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, केवल थोड़ा सा जल है, गंगा जल थोड़ा सा दे दो, साथ में तुलसी मंजरी युक्त जो तुलसी है उसको दे दो, और इसी से ही ठाकुर जी जो है विक्रणी तव समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, ये दोनों पाकर के भगवान जो है इतना मतलब ऋणी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं बदले में, तो कुछ मिलता नहीं उनको, तो तब वो क्या करते हैं स्वयं को ही दे देते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र का देख करके नित्य प्रति अद्वैताचार्य जी शालक राम शिला में गंगा जी का जल एवं श्री तुलसी जी देते और बड़े जोर जोर से ठाकुर जी को पुकारते कि प्रभु जल्दी आओ, क्योंकि साधारण दूसरे दूसरे जो कलियुगों में जो नाम तत्व जो है, नाम की महिमा जो है, वो तो सब समय देते हैं, किंतु कृष्ण लीला के बाद ये जो धन्य ये कलियुग जो है इसमें कृष्ण प्रेम युक्त जो नाम जो है वो मैं नहीं दे सकता, आपके बिना कोई दूसरा नहीं दे सकता, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पधारिए और सारे जगत जीवों को कृष्ण प्रेम में डुबो दीजिए। बोलो श्री द्वैताचार्य की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। इनकी कृपा के बिना, इनकी कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु सचिनंदन श्री गौर हरि की कृपा हमें कभी मिल नहीं सकता, इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ इस शांतिपुर धाम में इतना कष्ट लेकर के 3 बजे भूख में भी यहाँ पर पधार रहे, क्यों? हम भिखारी है, कुछ मांगना है, क्या मांगना? आपकी कृपा के बिना हमें नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की चीज नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग पूरा दिन घूमते हुए लास्ट में यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे। मुझे लगा प्रभु जी कहेंगे क्या मांगना मालपुआ। गुरुवे गौरचंद्रा राधिकाय इष्टदाताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग श्री गौड़ मंडल की नवदीप धाम की परिक्रमा करते हुए अभी जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है श्री शांतिपुर। ये श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का श्री पाठ है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के आरंभ में 14 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया है, 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया, जिसमें 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु जी की महिमा, 6 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा और उनका तत्व, 2 श्लोकों में श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का तत्व और उनकी महिमा का उन्होंने वर्णन किया और 1 श्लोक में उन्होंने पंच तत्व का वर्णन किया। उसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बतलाया, महाविष्णुर जगत कर्ता माया या सृजत तदा तस्यावतारे वायम अद्वैताचार्य ईश्वरे। यह अद्वैताचार्य जी कौन है? साक्षात महाविष्णु है, महाविष्णु अवतार श्री अद्वैताचार्य। ये अद्वैताचार्य जी साक्षात कौन है? महाविष्णु के अवतार। इसलिए प्रलय के पश्चात में समस्त जीव जो हैं वो कहां जाकर आश्रय लेते हैं? कहां जाकर आश्रय लेते हैं? महाविष्णु में। इसलिए ये अद्वैताचार्य प्रभु जी का जो श्रीपाठ है इसका नाम जो शांतिपुर है ये वास्तव में ही धन्य है। हम लोगों ने अद्वैताचार्य प्रभु जी की कुछ कुछ महिमा को यहाँ पर श्रवण किया, संपूर्ण श्री चैतन्य चरितामृत में, श्री चैतन्य भागवत में अद्वैताचार्य प्रभु जी की महिमा को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। विशेष करके श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण यदि करेन पृथ्वी ते अवतार, प्रथमे करेन गुरु वर्गेन संचार। कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने की इच्छा करते हैं तो वो सबसे पहले पृथ्वी पर अपने गुरु वर्गों को, माता पिताओं को वो पृथ्वी पर भेजते हैं, प्रेरण करते हैं। उसी क्रम में श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, माधव ईश्वरपुरी शची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हैला सही साथ। श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी, ईश्वरपुरीपाद जी, शची मैया जगन्नाथ मिश्र और अद्वैताचार्य जी, ये कौन है? महाप्रभु जी के माता पिता और गुरुवर्ग। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु जी
महाप्रभु जी से लगभग 35 वर्ष पहले इस भूमंडल पर प्रकट हुए। वो तो महाविष्णु है। जब वो इस जगत में प्रकट हुए, जीवों की अवस्था को देखकर कविराज गोस्वामी कहते, स्वभावे अद्वैत बड़ो कारुण्य हृदय, बड़ा उनके हृदय में करुणा है, और जीवेर निस्तार लागी चिंतित हृदय, जीवों का निस्तार की चिंता करके उनका हृदय बड़ा चिंतित रहता। तो जैसा कि हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने मन में विचार क्या किया, यदि स्वयं मैं भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर करा दूं, तभी तो मेरा अद्वैत नाम क्या होगा, सफल होगा। अद्वैत का अर्थ क्या है, जो भगवान से अभिन्न है, और आचार्य अर्थात जो साक्षात आचरण करके, आचिनोतिया शास्त्राम आचार्य, जो स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं, उनको कहते हैं आचार्य। इसलिए अद्वैत आचार्य जी का एक नाम क्या है, गौर आना ठाकुर, जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बैकुंठ से यहां पर ले आए। इसलिए महाप्रभु जी बहुत सारे प्रसंगों में कहते थे, श्रुतिया अछिनो अमी शिरोद सागरे निद्रा भंग हुई लो मोर नाडर हुंकारे, मैं तो बड़े आराम से शिरोद सागर में शयन कर रहा था, यह द्वैताचार्य जी की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझको इस जगत में अवतरण होना पड़ा। तो बहुत सारी ये लीलाएं हैं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो गया में जाकर दीक्षा ग्रहण करके चंचल निमाई से भावुक निमाई होकर आ गए, तो वो गदाधर पंडित जी को लेकर इस स्थान पर आए, और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी बहुत सारी साज सामग्री लेकर कृष्ण की पूजा कर रहे थे। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये श्लोक कहकर और बहुत सारी सामग्री से कृष्ण की पूजा कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए श्री गदाधर पंडित जी के साथ में, अभी महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं किया, कुछ कुछ कर रहे हैं, किंतु अद्वैताचार्य जी कौन है, वो तो महाविष्णु है, वो तो जानते हैं महाप्रभु के तत्व को। तो जब महाप्रभु जी यहां पर आए, अद्वैताचार्य जी अपने सिंहासन से उतरे और जिस समस्त सामग्री से वो कृष्ण की पूजा कर रहे थे, उस समस्त सामग्री से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा की, और अपने नेत्रों के जल से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक किया। जब वो इस प्रकार कर रहे थे तो उनके निकट में खड़े थे गदाधर पंडित। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, हासी बोले गदाधर जीवा कामड़ाई। जीवा कामड़ाई समझते हैं, जब हमारे सामने कुछ हटात कुछ घटित हो जाए तो जीव बाहर आ जाती है ना ऐसे। तो गदाधर पंडित जी, जब अद्वैताचार्य जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो अभी बालक के समान, किंतु वास्तव में कौन है, परब्रह्म है, तो इसलिए अद्वैताचार्य जी तो किंतु उनके तत्व को जानते हैं, अभी महाप्रभु जी ने स्वरूप प्रकाशित नहीं किया, ऐसी लीला कर रहे हैं। जब अद्वैताचार्य प्रभु जी ने उनकी पूजा की तो अद्वैत गदाधर पंडित जी हंसकर कहते हैं, हासी बोले गदाधर जीवा कामड़ाई, बालक अरे गोसाई है मत ना जुआ, अरे आप तो ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध हो, ये छोटे बालक की पूजा कर रहे हो। तो अद्वैताचार्य जी उनसे कहते, गदाधर बालक जादीबा कोतो दिने, थोड़े दिन रुक जाओ तुमको पता चलेगा ये बालक कौन है। अद्वैताचार्य जी गदाधर पंडित जी से कह रहे हैं। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य प्रभु जी ने महाप्रभु जी को इस जगत में आविर्भूत कराया, और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु जी के जो जगत में अवतरण के बहुत सारे कारण है, कुछ गौण कारण है कुछ मुख्य कारण है, उनमें से एक कारण क्या है, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की आराधना, उनकी आराधना के वशीभूत होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत में आविर्भूत हुए। किंतु एक छोटी सी बात बता देता हूं बस, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगत में आविर्भूत हुए तो अद्वैताचार्य प्रभु जी वो माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी किसके गुरु हैं, ईश्वरपुरी पाद जी के, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो इसलिए अद्वैताचार्य जी कौन हो गए, महाप्रभु जी के गुरुवर। तो महाप्रभु जी उनको सब समय बड़ी मर्यादा देते थे, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रे चरण। महाप्रभु जी एक कौन है, एकमात्र महाप्रभु, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु कौन है, वो दो प्रभु है, ये सब समय क्या करते हैं, महाप्रभु जी की सेवा करते हैं। किंतु महाप्रभु जब अद्वैताचार्य जी को बड़ी मर्यादा देते तो इससे अद्वैताचार्य प्रभु जी को बड़ा दुख होता, तो वो इस स्थान पर आ गए और यहां आकर गीता भागवत की ज्ञान परक व्याख्या करने लगे, भक्ति परक व्याख्या छोड़कर ज्ञान परक व्याख्या। जब महाप्रभु अंतर्यामी जान गए, उनको बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को साथ में लिया और गंगा में तैरते तैरते इस स्थान पर आए। अब जब निकट में आ गए, अद्वैताचार्य जी जान गए महाप्रभु आने वाले हैं, मुझ पर शासन करेंगे, तो और जोर जोर से ज्ञान की व्याख्या करने लगे। महाप्रभु जी इस स्थान पर आए, अद्वैताचार्य जी के सामने आकर खड़े हो गए, उनसे पूछते हैं,
बतलाओ भक्ति और ज्ञान में कौन बड़ा है। अभी अद्वैताचार्य जी तो चाहते हैं कि महाप्रभु मुझ पर शासन करे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उत्तर दिया, अरे जिसको ज्ञान नहीं है उसका भक्ति में क्या काम। सुनकर महाप्रभु जी बड़े क्रोध में आ गए, सिंहासन से अद्वैताचार्य जी को खींचा, उनके वक्षस्थल पर बैठ गए और उनको खूब गुलचे मारने लगे। और उनकी जो पत्नी है सीता देवी, वो तो वक्षस्थल पीट पीट कर चिल्लाने लगी, अरे बूढ़ा विप्र है, बूढ़ा विप्र है, कहीं इधर उधर लग जाएगी तो कहां से इनकी चिकित्सा कराएंगे। अब जब बड़ा शासन किया महाप्रभु जी ने, कुछ देर के पश्चात उनको बाह्य ज्ञान हुआ, तो उठ करके खड़े हो गए और अद्वैताचार्य जी हाथ में ताली मारकर जोर जोर से नृत्य करते हुए नाचने लगे। क्या कहते हैं, कहां गई तुम्हारी स्तव स्तुति, कहां गया तुम्हारा मुझको गुरुवर्ग कहना, देखो मैंने जगत में प्रकाशित कर दिया मैं क्या हूं, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। ऐसा अद्वैताचार्य जी, क्योंकि साक्षात आचार्य है ना, तो अपने जीवन से अद्वैताचार्य जी ने हमको ये शिक्षा प्रदान की। स्थान बड़ा ही मधुर है, अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी की लीला के एक नित्य संगी है, बिना उनकी कृपा के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। संन्यास के पश्चात भी महाप्रभु इस स्थान पर पधारे, 10 दिन तक इस स्थान पर महाप्रभु जी रहे और वो जो स्थान पीछे हमने दर्शन किया, अद्वैताचार्य प्रभु जी बड़े सुंदर रूप में महाप्रभु जी को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद जो शची मैया इत्यादि प्रस्तुत करती थी उनको अपने हाथ से परिवेशन करते थे, वहां पर भी बड़ी सारी मधुर मधुर नित्यानंद प्रभु जी के साथ में उनकी लीला हुई। हम लोग श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उन्हीं की कृपा से हम लोगों को श्री गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो। बोलो श्री अद्वैताचार्य प्रभु की हरे कृष्णा। देखो हम सबको भूख लग रहा है, 2 मिनट में बोल देता हूँ। यहाँ पर बोलने वाले तो बहुत भक्त, हमारे तपन प्रभु कुछ बोलने चाह रहे थे, दामोदर प्रभु भी, रोहिणी सुत प्रभु भी, यहाँ पर तो भक्ता ही भक्ता है। इसलिए आज जब शाम को हम बैठेंगे गुरु जी के समाधि में, वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बात हम सुनेंगे। मैं एक दो बात बता देता हूँ, ये स्थान का नाम है शांतिपुर। क्या नाम है? शांतिपुर। शांतिपुर नाम क्यों पड़ा है? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसी। हम दुनिया को हम ध्वंस कर डालेंगे, फिर उन्होंने देखा नहीं,
ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, कहते ये धन्य कलयुग है। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग का युग धर्म हरिनाम, कहते मैं तो जगत का हरिनाम प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन ये धन्य कलयुग है। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान आकर के, स्वयं महाप्रभु आकर के वो दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। राधा रानी की निकुंज की सेवा पाल्य दासी भाव को जो देते हैं, ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे प्रभु से बड़े सचिनंदन गौरव ही कर सकता है, ये काम को मैं कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुलसी दल और पानी को लेकर आह्वान की और भगवान वहां से उतर करके आ गए। इनकी एक विशेष चीज है, क्या है, जिस समय से चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे उस समय उनके बड़े भाई जो विश्वरूप, ये अद्वैत आचार्य के टोल में पढ़ते थे। पढ़ते समय कभी कभी सची मैया पास, घर का पास में था, जब रसोई बन जाती थी बोलते निमाई जा, बड़े भैया को बुला करके ले आ। उस समय अद्वैत आचार्य सारे शास्त्र को भक्ति पर व्याख्या करते थे। जब महाप्रभु जाते थे भैया को अपने नंगे धड़ंगे छोटे बच्चे जब जाते थे ना, वहां अद्वैत आचार्य चुप हो जाते थे। इनका मन प्राण चित्त महाप्रभु में डूब जाता था, बोलती बंद, सारे बच्चे महाप्रभु तरफ में टकटक लगाकर देखते थे। और महाप्रभु निमाई बड़े भैया की कपड़ा पकड़ कर बोले भैया चलो घर में रसोई बन गई है। और अद्वैत आचार्य टेढ़े नजर से देखते थे, बोले ओ पहचान नहीं रहे हो मेरे को, है तुमने मेरे को बुलाया, मैं गोलोक वृंदावन में लीला कर, तुमने मेरे को बुलाया, अभी देख रहे हो कुछ दिन बाद में पहचानोगे। जब श्रीमन महाप्रभु अपना स्वरूप को उन्होंने अभिव्यक्ति किया, अभिव्यक्ति करके विष्णु की खटिया के ऊपर बैठ गए, बोल करे नाड़ा नाड़ा नाड़ा। भक्त बोले भैया नाड़ा नाड़ा किसको बुला रहे हैं, नाड़ा मतलब हिलाना, नाड़ा नाड़ा किसको बोल रहे हैं। तो महाप्रभु बोले सुतिया आचिन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैल मर नाड़ा रहूंकारे। मैं तो बोलो को वृंदावन में लीला कर रहा था, सो रहा था, इसने मेरे को आसन को हिला दिया, नाड़ा कौन अद्वैत आचार्य, जाओ बोल दो जिसके लिए इतने आराधना कठोर तपस्या की मैं आ गया, जाओ बुला कर ले आओ। भक्त लोग दौड़ दौड़ कर गए, महाप्रभु तुम जिसके लिए आराधना कर रहा था वो भगवान स्वयं आगे तेरे को बुला रहे हैं। अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए, फूल चंदन अगुर कर्पूर पंचामृत सब लेकर के अपना पत्नी सीता देवी को साथ में आए, आकर के फिर महाप्रभु परीक्षा कर रहे थे, क्या सचमुच ये क्या मेरे प्रभु है, अगर ये मेरे प्रभु होंगे तो मेरे को पहचान जाएंगे। उन्हें नंदन आचार्य एक भक्तों घर में छुप गए, जब छुप गए इतने में जब वो भक्त आए बोलो अद्वैत आचार्य मेरे को परीक्षा कर रहा है, है नंदन आचार्य घर में छुप गए, आप जाओ उसको बुला करके लेकर के आओ। फिर तो अद्वैत आचार्य आकर के महाप्रभु चरण में उन्होंने प्रणाम किया, उनको अभिषेक किया। देखो महाप्रभु बोले बेटा डर भागो, देखो उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। जब उन्होंने महाप्रभु को महाप्रभु अद्वैत आचार्य जब डर भागो, देखो उन्होंने क्या मांगा, बोले हे प्रभु एक ही बार हमें दो, आप जिसके लिए जगत में आए हो क्यों आए हो, कहते आ चंडाले हैं सबको ये प्रेम को देने के लिए। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ना, दुरामति अति पति तपासंडी प्राणी न मारी लुकारे, हरि नाम दिया हृदय सो दिलो जाचे किया करे करे। बोले ब्रह्मा बिरिन चिर जगत बांचित जे प्रेम जगत फैली लढ़ाली, कहते ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते महाप्रभु प्रेम को उड़ाल दिए। अब इसलिए आई ना ब्रह्मा का एक दिन में, अगर मेरे को वर देना चाहते हो इसी अवतार में, आप जात पात किसी चीज को विचार नहीं करोगे, सबको आप हरिनाम प्रदान करना, सबको वो प्रेम प्रदान करना, राधा रानी की निकुंज सेवा की प्रदान करना, केवल मेरे को यही वरदान दो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। देखो पहले जो होता था भजन में सब नहीं आते थे, अब देखो गौर विचार से जब प्रभुपाद उन्होंने बोले शिष्य नहीं बनाऊंगा, हैं पहले पहले जो संत लोग हुए बोले नहीं शिष्य नहीं बनाऊंगा, कोई एक आध शिष्य बन गए, लेकिन अनधिकारी व्यक्तियों को हम जैसे अनधिकारी एकदम कीड़े नरक के टाटी के कीड़े हैं, हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर तिलक कंठी माला देख के भक्ति में जो अधिकार प्राप्त हुआ है, किसने ये वर मांगे, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को ये वर मांगे थे इसी अवतार में, अब सबको वर में आप कृपा करना। इसलिए आज हम पृथ्वी के सारे लोग इसलिए हम एकत्रित हैं, ये अद्वैत आचार्य महाप्रभु से ये वरदान मांगे थे, इसलिए आज पृथ्वी का लोग यहाँ पर आकर के तिलक कंठी माला लगा करके अनधिकारी होते हुए भी हम आज यहाँ पर एकत्रित केवल श्री अद्वैत आचार्य की आशीर्वाद, इन्होंने महाप्रभु के ये वरदान मांगे थे।
इसलिए हम सबके सब परिक्रमा से पहले यहाँ पर जो आए ना बहुत जद्यपि आप लोग थोड़ा कष्ट हुआ है क्योंकि आज सवेर को जो नाश्ता नहीं किया भूखे ना हो जाए होए गोपाला, तब भी जो परिक्रमा से पहले यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी वजह से महाप्रभु आए, महाप्रभु वजह से हम यहाँ पर है, इसलिए इनसे प्रार्थना करने के लिए आपने महाप्रभु बुलाया, आपकी कृपा से ही भक्ति में हमारे प्रवेश अधिकार मिले, इसलिए हम सबको पर आप कृपा करो जैसे एक दिन महाप्रभु जो चीज को देना चाहते थे वो चीज जैसे हम प्राप्त हो, सबके सब श्री अद्वैत चरण में प्रार्थना करो। बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि। शाम को हम लोग अभी जाना, कल सबके लिए प्रसाद है और जिन लोग ने टिकट नहीं बनाया ना वहाँ पर टिकट बना लेना, ठीक है, मैं फोन कर दिया, सभी के लिए प्रसाद मंदिर में जाते हैं हम लोग, प्रसाद पा जाना, जो लोग टिकट नहीं बनाए वो लोग भी टिकट बना देना वहाँ पर, देखो किसको पास में तुम्हारे पास में, अरे अरे छोटा करताल, छोटा वाला छोटा करताल किस